हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है। वेलकम बैक। और इस वीडियो में अब हम लोग अपने पुराने HTML ट्यूटोरियल के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने एक इंडेक्स पेज बनाया था जो कुछ इस तरह से दिखता है ना। और एक फेविकॉन, जस्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने इंडेक्स पेज के साथ में एक फेविकॉन अटैच किया था जो हमारे टाइटल के साथ ऊपर दिखता है। अब इस लेक्चर में हमको क्या करना है, हमको अपने बॉडी के अंदर के टैग्स को समझना है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टाइम तक का पेज था। ठीक है, ये हम लोगों ने हेड के अंदर देखा था कि हम लोगों ने किस तरह डिफरेंट डिफरेंट टैग्स यूज किया था अपने साइट के इंफॉर्मेशन सेट करने के लिए, है ना। अब हमको जो आना है, हमको आना है इस बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि मैं अभी सिर्फ HTML5 पे फोकस कर रहा हूँ, तो मैं अभी CSS में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि CSS जितने भी स्टाइलिंग है आपको मैं यहीं पे डिस्प्ले करके दिखाऊँ। ठीक है, ताकि आपको बाद में ये समझ में आएगा कि क्यों हम डिफरेंट स्टाइल्स को, जो स्टाइल्स को हम HTML में डायरेक्टली यूज़ नहीं करके हम CSS पे बिल्ड करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको CSS में स्विच करने में, तो मे बी 2-3 लेक्चर्स के बाद में या फिर कुछ सेट ऑफ लेक्चर्स के बाद में मैं आपको अपने CSS3 के स्क्रीन में ट्यूटोरियल में साथ साथ उसे कैरी करूंगा। ठीक है, सो इट्स ओके। अब आते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो मैं सबसे पहले तो इन चीज़ों को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे पहले बताना है आपको कि बॉडी के अंदर मुझे क्या क्या रखनी है। तो अभी वी हैव अ ब्लैंक कैनवस, हमारे पास एकदम ब्लैंक हमारा पेज है। ठीक है, अब आपका जो वेबसाइट होता है राइट, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोल रखा है, तो ये तीन, आप इस साइट को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या, पहला इसका एक नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये जो पार्ट दिख रहा है इस वेबसाइट का, ये आप बोल सकते हैं कि इस वेबसाइट का नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, दूसरा उस नेविगेशन को छोड़ के जो भी कंटेंट्स हैं, है ना, बीच में जो भी पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ एक कंटेंट, इस पूरे वेबसाइट का कंटेंट। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो ऊपर से नीचे यहाँ तक जो पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ कंटेंट। और तीसरा पार्ट होगा मेरा फूटर, ठीक है, जिसमें मैं कुछ लिंक्स और अपना कॉपीराइट इश्यूज हो या फिर जो भी आप चाहें, जैसे लाइसेंस और एग्रीमेंट्स, ये सब चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन हम इसमें लिंक करते हैं। तो ये 3 मेन पार्ट होते हैं किसी भी वेबसाइट के। ठीक है, तो वो सबसे पहले बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने वेबसाइट को HTML5 के सिंटैक्स के हिसाब से 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं, जो हम लोग जानते हैं कि मैंने पिछले अपने स्ट्रक्चर के लेक्चर में बताया था। तो कंटेंट, कंटेंट, ठीक है, एंड देन मैं आता हूँ इसमें, किसमें, फूटर। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हम लोगों ने अपने वेबसाइट को बांट लिया। मैं कुछ लेक्चर्स तक इस कंटेंट में बात करने जाऊंगा क्योंकि मेरे को आपको पहले टैग सिखाने हैं। ठीक है, तो टैग सीखने के पहले आप तब तक मैं कंटेंट में ही करेंगे, कुछ नहीं बाकी सब चीज़ों में भी वही होता है, बट कंटेंट्स के अंदर हम सारे चीज़ें नॉर्मली देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में बात करेंगे हेडिंग और पैराग्राफ की। ना, हेडिंग क्या होता है, मान लीजिए आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, लेटर टू ऑफिस मैनेजर। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका क्या होता है, दिस इज माय टाइटल, दिस इज माय टाइटल और दिस इज माय हेडिंग। ठीक है, हेडिंग, ठीक है, अब आप सब हेडिंग लिखते हैं, सब हेडिंग लिखते हैं, आई वॉन्ट टू लीव फॉर 10 डेज टू शूट वॉट एवर। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब हेडिंग। अब आपका मर्जी हो तो सबका सब हेडिंग भी डाल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वॉट एवर, ठीक है, जो भी है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या लिखते हैं, आप अपना इशू लिखते हैं या फिर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं, हाय आई एम गौरव एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो बेसिकली
हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन जनरेट किया एक ऑफिस मैनेजर के लिए। एक वेबसाइट भी एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन ही होता है अगर आप किसी भी रूप से देखें तो। यहाँ पे मेरे पास दो टैग्स हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये सेट, ये वेबसाइट है जो आपको HTML कलर कोड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये Gaana.com है जो आपको डिफरेंट गाने का लिंक और गाने का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वेबसाइट इज नथिंग बट एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन सेट को यूज करने के लिए हम लोगों ने हेडिंग्स का यूज किया, हम लोगों ने सब हेडिंग का यूज किया, हम लोगों ने पैराग्राफ्स का यूज किया, ठीक है। तो इसी तरह हमारे HTML में भी हमारे पास हेडिंग्स, उसके सब हेडिंग्स और पैराग्राफ दिए जाते हैं। तो इसलिए किसी भी पेज में हम लोग हेडिंग टैग्स का यूज करते हैं। इन हेडिंग टैग्स का एक सीक्रेट और है, क्या, कि जब हम पेज रैंकिंग के ऊपर ध्यान देते हैं और जब आप SEO में काम करना चालू करते हैं या फिर आप अपने पेज का SEO करते हैं, तो जो हमारा गूगल स्पाइडर है, गूगल वेब है, ठीक है, गूगल का जो एल्गोरिदम है वो हमारे हेडिंग्स पे भी फोकस करता है कि इस पेज में जो हेडिंग्स है उनको निकालो, उनसे सर्च करो कि उसपे कीवर्ड क्या है। तो इसलिए ये हेडिंग्स देना भी इम्पोर्टेंट है हमारे पेज में। अगर आप इन हेडिंग्स को दूसरे स्टाइल्स के थ्रू भी बना सकते हैं, बट इट इज बेटर कि आप ये हेडिंग्स दीजिए, तो आपका जो SEO के लिए होगा वो एक अच्छा तरीका होगा आपका वेबसाइट बिल्ड करने का, ठीक है। तो हेडिंग, तो ये जो हेडिंग है, हेडिंग किसी भी हेडिंग को देने का ये तरीका होता है, ठीक है, H1 और H1 क्लोज, ठीक है। तो ये एक है, और इस तरह के आपके पास 6 हेडिंग होते हैं, ठीक है। तो H2, H3, सिमिलरली H4, H5 एंड H6, ठीक है। तो ये जो 1 से 6 तक के जो नंबर्स हैं, ये एक्चुअली डिफरेंट साइजेस ऑफ टेक्स्ट बताते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर है H1, इसकी हेडिंग सबसे ज्यादा होगी। तो अगर मैं लिखूं लॉजिक क्यूट्स, है ना, तो ये मेरा सबसे बड़ा दिखने वाला है। उसके बाद लिखूं मैं डिजाइन डेवलप डिप्लॉय, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूं दिस इज HTML5 ट्यूटोरियल, ठीक है, एंड लर्न एवरीथिंग इन हिंदी। और फिफ्थ में लिखता हूं दिस वीडियो इज प्रिपेयर्ड बाय, एंड लास्टली अपना नाम, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे जो ST हेडिंग टैग्स थे वो क्या हुए, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के लिए सेट हो गए, ठीक है। तो आप 1 से नीचे जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे आपका साइज उतना उतना कम होता जाएगा, और इन चीजों के हिसाब से हम अपने टैग्स को सेट कर सकते हैं। अब मैं बाद में आपको बताऊंगा CSS में या फिर इसी इनके आगे कि किस तरह हम हेडिंग्स को भी स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, एवरीथिंग, तो हम इन हेडिंग को भी चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। एक और चीज, HTML5 HTML4 तक हम लोग ये चीजें यूज किया करते थे, क्या, अगर मुझे किसी भी चीज का फॉन्ट चेंज करना है तो मैं क्या करता था, एक फॉन्ट टैग लगाता था जिसके अंदर मैं, जिसको फिर मैं क्लोज करता था। अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड करता था और बोल्ड करता था, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यूज क्या करता था HTML4 में, ठीक है। ये अभी भी वर्क करेंगे, बिल्कुल वर्क करेंगे, नो प्रॉब्लम, बिकॉज HTML5 जो है वो HTML का ही एक्सटेंशन है, तो वो उन पोर्ट्स को भी यूज करेगा, बट HTML5 में हम इन चीजों का यूज नहीं करते, ठीक है। हम इसे डायरेक्टली अपने स्टाइल्स के थ्रू स्टाइल कर लेते हैं। तो ये था मेरा हेडिंग कि किस तरह मैं हेडिंग्स को डिफाइन करता हूँ। तो अब जिस भी साइज का आपको, मतलब जिस तरीके से अपने टेक्सचुअल डेटास को अरेंज करना है, आप हेडिंग्स का यूज करके अरेंज कीजिए। नेक्स्ट थिंग जो मैं बात करने जाऊंगा वो मैं बात करता हूँ पैराग्राफ का, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने लेटर में अब तक इन चीजों को बना लिया, अब मेरा ये है पैराग्राफ जो मुझे इंक्लूड करना है। तो इस पैराग्राफ को इंक्लूड करने के लिए हम लिखते हैं पी टैग, और ये पी टैग डिफाइन करता है कि इन पी टैग के अंदर जो भी होगा वो होगा मेरा पैराग्राफ, ठीक है। तो मैं इस पैराग्राफ को 3 4 5 बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट।
और इस पैराग्राफ की अपनी स्टाइल होती है जो कि बेहद नॉर्मल सी स्टाइल होती है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड स्टाइल होती है फॉन्ट की, जो आपने अपने फॉन्ट फैमिली में यूज किया है, फॉन्ट फैमिली भी हमें पढ़ना है। तो ये चीज होती है, आप इसमें देखिए तो आपको एक नॉर्मल सा पैराग्राफ जैसा दिख जाएगा, ठीक है। मैं सबसे पहले तो इस पेज का कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा ग्रीश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, नाउ आपको सारी चीजें विजिबल हैं। तो ये मेरा पैराग्राफ था और ये है मेरे डिफरेंट स्टाइल ऑफ हेडिंग, क्लियर है। तो नेक्स्ट, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बॉडी टैग के अंदर और डिफरेंट टैग्स का इस्तेमाल करना जानेंगे। ये थे हेडिंग्स एंड पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आइए, कुछ और इंटरेस्टिंग टैग्स के बारे में पढ़ते हैं और HTML5 में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट होगा तो मेरा कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए, मैं कंटिन्यूअसली इन्हें चेक करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपसे बात कर सकूँ। थैंक यू।